हमने भारत एक नई सोच, उनके जन्म स्थान, अभी तक उनके दो घर हैं यहाँ पर। हमें यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि एक जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और दूसरी जगह जहाँ पर वो जाके उनकी पूरी फैमिली रहने लगी थी। अब हम वहाँ पर आ चुके हैं, ये देखिए, ये वो घर है, ताला लगा हुआ है, इस ताले पे ये देखिए, ये वो जगह है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पर हमको लगता है कि ये ताले कितने टाइम से लगे हुए हैं कुछ पता नहीं। और मोदी जी का जन्म यहीं पर हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये वही जगह है जहां पर मोदी जी का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा घर है। मैं कहूंगा सहयोगी से पूरा घर दिखाया जाए ऊपर से। ये ऊपर देखिए, डबल फ्लोर है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर ये है और नीचे का ये है। इस तरीके का घर था और यहाँ से लगता है कि सालों से कोई कभी यहाँ पर आया नहीं। और बगल में ये घर है, यहाँ पर ये सड़कें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोग हैं। चाची, आप हिंदी बात कर लेती हैं? हिंदी बोल लेती हैं? हिंदी नहीं आवत है? कोई है जो हिंदी में बात कर? कोई? अच्छा अच्छा तो मैं ये बताइए कि मोदी जी कब, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था? जन्म यहाँ हुआ था और इसके बाद वो आगे वहाँ वाले आगे रूट पर हाँ। अच्छा अच्छा वहाँ चले गए। पहले यहाँ पर दादी बता रही हैं कि क्या नाम है, दादी का भी थोड़ा सा दिखाया जाए। देखिए, उनके सामने का घर है और इस घर में ये चाची रहती हैं और यहाँ पर मोदी जी रहते थे। तो ये बता रही कि यहाँ पर जन्म हुआ और जन्म के बाद ये लोग दूसरे वाले घर पे जाके शिफ्ट हो गए। तो हम आपको दूसरे वाले घर पे, जहाँ पर मोदी जी का सबसे पॉपुलर, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस घर को तो नहीं दिखाया है, लेकिन हमारी खोज, हमारी पड़ताल से पता चला कि ये पहला घर है जो आप देख रहे हैं। ऊपर से नीचे तक दिखाया जाए, पूरा घर दिखाया जाए कि कैसी स्थिति है। और यही वो जन्म स्थान है जहाँ पर हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पर इनका जन्म हुआ और इसके बाद इनकी पूरी फैमिली वहाँ जाके शिफ्ट हो गई। तो अगले हिस्से में हम आपको वहाँ पर ले जाते हैं और उनके घर पे, दूसरा घर जहाँ पर उनकी फैमिली रहती थी, वहाँ आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं और घर दिखाते हैं। तो हम वहाँ यहाँ पर आ चुके हैं जो सबसे पॉपुलर घर है, जो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और हर एक लोगों ने मोदी जी का ये घर दिखाया है। तो आज हम वडनगर में उनके गांव आ चुके हैं और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं, जहां पर मोदी जी आया करते थे। मतलब यहीं पर उस जन्म स्थान के बाद उनकी सारी फैमिली यहीं रहा करती थी और बहुत बहुत समय तक यहां पर रहे। इन्हीं गलियों में यही वो इलाका है जहां पर वो गुजरा करते थे और अब यहां पर कोई और रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ से ऑटो रिक्शे सब कुछ जाते हैं, मेन रास्ता। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, इतनी सख्त गलियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर टेम्पू रिक्शे सब इन गलियों से गुजर जाते हैं। यहाँ गुजरातियों का स्टाइल है और इतने इतने जगह में अगर दो दो गाड़ियाँ निकल जा रही, कहीं ना कहीं इनकी चलाने के तरीक़ों पर भी सलाम है। तो ये देखिए, ये घर है, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई और रहता है और उनके जो भाई हैं उन्होंने ये घर बेच दिया 20 वर्ष पहले और अब कोई और रहता है। लेकिन वो वाला घर जो हमने जन्म स्थान दिखाया है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ है। लेकिन ये वाला जो घर है, अब देखिए, ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये शायद नहीं यूज़ होता है और ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा करीब से दिखाया जाए थोड़ा सा इस फुटेज को। और यही वो दरवाज़ा है, डबल डोर लगा हुआ है, एक अंदर से दरवाज़ा है, फिर ये जाली के दरवाजे लगे हुए हैं और ताले लगे हुए हैं। ताले तो मुझे बहुत पुराने नहीं लग रहे हैं, शायद लगता है कि जो पुराने ताले हैं वो ख़राब हो गए होंगे तो नए ताले लगे होंगे। तो ये मोदी जी का घर और ये बच्चे, यहीं रहते हो आप लोग? क्या नाम है? कुणाल। कुणाल। और आपका? रोहित। रोहित। पढ़ने जाते हो? ये मोदी जी का घर है? हाँ। और एक अंदर भी घर है उनका है और यहाँ पर उनकी फैमिली रहती थी पहले। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर कैसा है पढ़ाई का व्यवस्था है? पढ़ने जाते हो ना, तो मज़ा आता है यहाँ पर? हाँ, मज़ा आता है। मज़ा आता है। क्यों, तुम भी जाते हो? किस क्लास में हो? छठी क्लास में। सिक्स में। और तुम? एट में हो।
अच्छा ये बताओ, कभी मोदी जी यहाँ पर आते हैं? मोदी जी देखा नहीं कभी। कभी नहीं देखा? तुमने देखा? नहीं नहीं देखा। उनका गांव है यहीं पे वो हुए, तो कभी तुमने कितने साल उम्र हो गई तुम्हारी? मेरी 13 साल। 13 साल, 13 साल में कभी नहीं देखा तुमने? और तुमने भी कभी नहीं देखा? कभी मम्मी पापा ने देखा है यहाँ? उन लोगों ने देखा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बता रहे। अच्छा कुछ यहाँ की खासियत बताओगे? यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ जो बहुत फेमस हो? हाँ, इधर क्या है? दुकान है मुमरा बटाका की, वो फेमस है। अच्छा क्या स्वीट है ये खाने वाली चीज? क्या नाम है उसका? मुमरा बटाका। मुमरा बटाका मुमरा। और तुम बताओ क्या फेमस है? बटाका मुमरा ही। अच्छा अच्छा ये बताओ, अगल बगल कोई घूमने वाली जगह जहाँ पर तुम लोग घूमने जाते हो? शर्मिश्ता दड़ाव है, तानारी है। अच्छा ये वडनगर में ही है, यहीं पे है? हाँ। वहाँ तुम जो स्कूल है। अच्छा कहाँ है वो स्कूल? वो भी आगे है। अच्छा चलिए, बच्चों ने बताया कि जूनियर वहीं वहीं पढ़ते थे वो। अच्छा वो स्कूल कितने तक? आठ 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 तक वहीं पढ़ा है। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मोदी जी ने कहाँ पढ़ाई की, यहाँ पर है। इन्होंने कभी देखा नहीं है, 13 सालों से ये बच्चों ने कभी नहीं देखा। इसका मतलब मोदी जी यहाँ पर नहीं ही आते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं और ये भाई साहब हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। मोदी जी यहाँ पर कभी आए? सीएम था तभी आए थे मोदी साहब। कितने वर्ष पहले की बात? वो सीएम हो 10 साल पहले। 10 साल तो बच्चे कह रहे हैं, 13 साल तो बच्चों की उम्र होगी। लेकिन बच्चे को मालूम नहीं होगा ना। 10 साल पहले आए थे यहाँ, पूरे इलाके में गए थे। पूरे इलाके में यहाँ वो सब उसका घर ही था, मोहल्ला उसका, भाइयों का ही घर था। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या उसका भाई ने वो सब गांधीनगर चले गए। अच्छा। उसके माता जी के साथ रहते हैं? माता जी के गांधीनगर रहते हैं, उसका भाई पंकज भाई है ना उसके पास। एक भाई तो सुनते हैं वडनगर में ही रहते हैं कोई? है ना, सब आते है, सब आते। सारे लोग गांधीनगर में ही रहते हैं? नहीं, गांधीनगर अहमदाबाद अलग अलग जगह पे रहते हैं। छोटे वाले भाई वहाँ पर रहते हैं माता जी के? माता के पंकज भाई। पंकज भाई तो इराबा के पास, हम इराबा के पास ही छोटे बड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हमारा जन्म ही इधर हुआ है इसलिए। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 50 साल हुआ है। 50 साल तो मोदी जी के स्टार्टिंग समय में तब तो आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे? नहीं देखा होगा पर मालूम नहीं है उनको, 2-3 साल का होगा तभी इधर होगी। लेकिन मेरी मदर ने वो सब बातें करते हैं। अच्छा। मेरी मदर की और उसकी शादी 1 ही साल हुई थी। अच्छा बराबर। अच्छा अच्छा ये बताते हैं कि फिर उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर रही कुछ? नहीं, वो तो एक दो तीन साल रही होगी। लेकिन वो तो नहीं, 2 साल तक वो नहीं रही, तो इधर से नहीं इसलिए। अच्छा, तो इसी घर में रहती थी? हाँ, इधर इसी। शादी के बाद इसी घर में रही? हाँ, इसी घर में रही। अच्छा, 2 साल रहे। और नरेंद्र भाई तो वो बाहर ही रहते थे, मतलब उन 2 सालों में वो कभी यहाँ आए नहीं? नहीं आए शादी के बाद, बट शादी हुई उसके बाद वो कभी यहाँ पर उसके बाद नहीं आए। मतलब बहुत, मतलब जब वो पॉलिटिक्स में आ गए उसके बाद उनका यहाँ गाँव से मतलब कनेक्शन टूट गया, वो बहुत कम यहाँ पर आते।